ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां शिविर रिसाली से एक खबर है। इस्पात नगर भिलाई स्थित तो रिसाली वार्ड नंबर 30 में लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर आधार कार्ड अपडेशन और आयुष्मान कार्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में वार्ड के लोगों ने उठाया। वार्ड 30 के पार्षद और नगर पालिक निगम रिसाली के पीडब्ल्यूडी प्रभारी अनूप डे द्वारा इस्पात नगर साई मंदिर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाने, आधार कार्ड अपडेशन, आधार कार्ड बनाने के लिए वार्ड के लोगों की भीड़ काफी संख्या में एकत्रित हुई। शिविर को लेकर वार्ड पार्षद अनूप डे द्वारा काफी तैयारियां की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ आए लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। शिविर आयोजित करने के लिए क्षेत्र के लोगों ने वार्ड पार्षद का आभार जताया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मंत्री सिस्टरी हमारे बाबूजी रामदास साहू जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका सोच और हमारा हमेशा यही रहा है कि शिक्षित बेरोजगार या कोई भी बेरोजगार बच्चा हो, उनको शुरू से हम लोगों को बोला जाता है कि उनको कुछ ना कुछ रोजगार करो। उसके लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे हमसे कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनको ठेला डाल दो, उनको कुछ सामान डाल दो, जो भी करना है आप उनको करो, उनको रोज़गार दो, क्योंकि उनके भी घर की जीविका चलनी चाहिए। ये तो उनकी सोच शुरू से है। तो उसी को देखते हुए मंत्री जी के आदेश के अनुसार ये जितनी भी गुमटी यहाँ जगह थी, सब तो उजाड़ पड़ा हुआ था, कहीं भी कोई बैठा हुआ था, कहीं भी ठेला लगा था, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। हम उसको व्यवस्थित करके अपने ढंग अच्छे ढंग से उसको प्योर ब्लॉक लगा के, वहाँ पर रेलिंग लगा के सब व्यवस्था बना के दे रहे लोगों को। ये सब बच्चे जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है, घर परिवार को भी चलाना है, तो बस हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें बीएसपी आज के पहले भी तो लोग अतिक्रमण करते थे, बीएसपी कितना उसको हटाते थे, कोई नहीं हटाता था। अभी हम उस जगह को सिर्फ अच्छे से बना के लोगों को चलने के लिए, आने जाने के लिए और ज़्यादा ज़्यादा उनका बिजनेस धंधा चले, इस चक्कर में हम उनको साफ सुथरा करके अच्छी जगह को डेवलप करके। न्यू वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।